आरसीए को लेकर बड़ी खबर है। आरसीए को बीसीसीआई के घरेलू मैचों की मेजबानी मिली है। ये बड़ी खबर, अच्छी खबर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लीग मैच जयपुर में होंगे। अंडर 25 वर्ग के वनडे मैच की मेजबानी जयपुर को मिली। रणजी टूर्नामेंट के कई मैच भी जयपुर में आयोजित होंगे, तो जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात, राजस्थान के लिए ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि लीग मैच होंगे। आरसीए को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, तो ये बड़ी जानकारी और अच्छी खबर कह सकते हैं कि बीसीसीआई के घरेलू मैचों की मेजबानी मिल गई है आरसीए को। बिल्कुल, देखिए बीसीसीआई ने जो डोमेस्टिक सीजन है 2022-23 उसका कार्यक्रम पहले तय कर दिया था, लेकिन अब उन मेजबान स्थलों की भी घोषणा कर दी है जहां ये मुकाबले होने हैं विभिन्न टूर्नामेंट के। क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के साथ जो बीसीसीआई का घरेलू टूर्नामेंट है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, आरसीए की बात करें, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक उसके लीग मैच होंगे, तो उसकी कुछ मैचों की मेजबानी जयपुर को मिली है। हालांकि इस लीग के मैच लखनऊ, इंदौर, राजकोट और पंजाब में भी होंगे, लेकिन जयपुर को भी इसकी मेजबानी मिली है। साथ ही जो पुरुषों का जो अंडर 25 टूर्नामेंट है जिसमें एक दिवसीय मुकाबले होंगे, उसके जो लीग मैच है उसकी मेजबानी भी आरसीए को मिली है और ये मैच भी जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। रणजी ट्रॉफी के जो मैच हैं इस बार भी जो होम और अवे की तरह होंगे, तो क्योंकि राजस्थान एलिट ग्रुप में है, 13 दिसंबर से अगले साल 27 जनवरी तक लीग मैच होंगे। चलिए, तो रणजी टूर्नामेंट के भी कई मैच